स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट गुजराती। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? गुजराती। तो आपको भी आपके ग्राफर को गुजराती की जो टेक्स्ट बुक है वो लेनी है और उसमें चैप्टर नंबर 8 निकालना है। चैप्टर नंबर 8 में आपको दिया है दीर्घ उ की मात्रा। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 सीखा, उसमें हमने ह्रस्व उ की मात्रा जो है वो सीखी। इसमें हम क्या सीखेंगे? दीर्घ उ की मात्रा। दीर्घ यानी कि लंबा। ये जो उ है उसको आपको थोड़ी सी लंबी मात्रा देनी है, नीचे तक लेके आना है। ये कौन सी मात्रा है? दीर्घ उ। देखिए यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दिए हैं। उ इज इक्वल टू ऊन, यानी कि आपको ऊन लिखना है। तो दीर्घ उ की जो मात्रा है वो लेनी है। आपको कौन सा स्वर लेना है? यहाँ पे दीर्घ उ। उसके बाद देखिए ये पिक्चर आपको दिया है फ्लावर का, यानी कि फूल। F प्लस दीर्घ उ इज इक्वल टू बनेगा फू। आपको फ के नीचे इस प्रकार से साइन बनानी है और ये पूरा हमें नाम लिखना हो तो यहाँ पे ल लिखना होगा। अब पूरा नाम एक साथ आप रीड कीजिए, फूल। क्या लिखा है यहाँ पे? फूल। देखिए आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं और पिक्चर्स के ऊपर से कुछ यहाँ पे आपको दिए है सेंटेंस, और ये सेंटेंस में बहुत सारे दीर्घ उ की मात्रा वाले शब्द भी दिए हैं, जिससे कि आपको पता चले कि दीर्घ उ की साइन कब और कैसे लगाई जाती है। तो हम वो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे आपको एक लड़का दिया है, वो क्या बजा रहा है? शहनाई, जो एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये दूसरी लड़की है, वो क्या कर रही है? वो भी फाइफ है, यानी कि पिपूड़ी है, वो बजा रही है। एक लड़की है, वो क्या कर रही है? वो भगवान की आरती उतार रही है और साथ साथ प्रे भी कर रही है। ये लड़की है, वो क्या कर रही है? वो दूध है, वो ले के आ रही है, इसमें मिल्क भरा हुआ है। ये लड़की है, वो खा रही है खाना। क्या खा रही है? ये खजूर। कौन सा खाना है? ये खजूर, यानी कि डेट। अब हम ये सारे पिक्चर तो देख लिए, अब हम क्या करते हैं, ये सारे सेंटेंस है वो रीड करना सीखते हैं। आपको भी मेरे साथ रीड करते जाना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व गाड़। क्या लिखा है बच्चों? वगाड़, यानी कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करना होता है उसे क्या कहते हैं? वगाड़। व गाड़। पीयूष शरणाई वगाड़। क्या लिखा है? पीयूष शरणाई वगाड़। पीयूष, पीयूष ये जो नाम है इसमें य के नीचे दीर्घ उ की साइन आपको दी गई है। ये कौन सा नाम है? पीयूष। आपको यहाँ पे नाम बोल रहे हो, बाद में बोलते वक्त थोड़ा सा ठहरना है, उसके बाद ये पूरी जो लाइन है वो बोलनी है। पीयूष शरणाई वगाड़, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। पूनम पिपूड़ी वगाड़। ये पीयूष है, वो शहनाई बजा रहा है, और पूनम है, वो क्या बजा रही है? पिपूड़ी, यानी कि फाइफ। पूनम पिपूड़ी वगाड़। देखिए इसमें पूनम में प के नीचे और इसमें पिपूड़ी में प के नीचे, दोनों में प के नीचे दीर्घ उ की मात्रा है ना। अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मयूरी खजूर खा। ये लड़की का नाम क्या है? मयूरी। मयूरी क्या खा रही है? डेट, यानी कि खजूर। यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखा है? मयूरी खजूर खा। सरयू दूध लाओ। ये लड़की है, उसका नाम है सरयू। क्या है इसका नाम? सरयू। तो सरयू, इसमें यू के नीचे दीर्घ उ की मात्रा की गई है। सरयू दूध लाओ, इसके अंदर क्या भरा है? दूध, यानी कि दूध लिखने के लिए भी आपको द के नीचे दीर्घ उ की साइन बनानी होती है। सरयू दूध लाओ, और लास्ट में लिखा है नूतन पूजा कर। ये लड़की का नाम है नूतन, वो क्या कर रही है? पूजा। पूजा लिखने के लिए भी प के नीचे दीर्घ उ की साइन करनी होती है। तो इसमें हमने बहुत सारे शब्द सीखे जिसमें दीर्घ उ की साइन की है। इसके अलावा भी हम एक्सरसाइज सीखेंगे, तब कुछ और शब्द भी सीखेंगे जिसमें दीर्घ उ आपको लगाना होता है। तो बच्चों हमने ये पैराग्राफ सीखा, आपको एक बार हम फिर से रीड कर देते हैं, आप भी मेरे साथ रीड कीजिए। वगाड़ पीयूष शरणाई वगाड़। पूनम पिपूड़ी वगाड़। मयूरी खजूर खा। सरयू दूध लाओ। नूतन पूजा कर। रीड कर लिया ना। अब हम
आज जो पैराग्राफ सीखे उसमें से कुछ शब्द यहाँ पे दिए हैं वो रीड करना सीखते हैं और साथ साथ आपको उसको बोलना है, लिखना है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ड पीयूष। क्या लिखा है यहाँ पे? पीयूष। कौन सा शब्द है ये? पीयूष। पीपूड़ी, पीपूड़ी। पूनम, कौन सा शब्द है यहाँ पे? पूनम। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मयूरी, मयूरी। खजूर, खजूर। नूतन, कौन सा शब्द है ये? नूतन। उसके बाद यहाँ पे दिया है पूजा, पूजा। दूध, कौन सा शब्द है? दूध। और लास्ट में है सरयू, ये शब्द है सरयू। तो बच्चों ये सारे शब्द आपको नोटबुक में भी लिखने हैं जैसे हम हर चैप्टर में लिखते हैं। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। वहाँ पे लिखा है वगाड़। वगाड़ मीन्स प्ले, PLAY, प्ले। शरणाई, शरणाई को क्या कहते हैं? जिस वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अ के लिए आपको लिखना है ए, उसके बाद म्यूजिकल का स्पेलिंग क्या होगा? MUSICAL, म्यूजिकल। INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट। पूरा वर्ड क्या बनेगा? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पिपुड़ी यानी कि फाइफ, FIFE। खजूर, खजूर को कहेंगे इंग्लिश में डेट, DATE। दूध, दूध यानी कि मिल्क, MILK, मिल्क। पूजा यानी कि वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप। तो शब्दार्थ भी आपने सीख लिए बच्चों। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको होमवर्क में क्या क्या करना है। आपको आपकी गुजराती की जो नोट है नोटबुक उसमें आपको हेडिंग देना है चैप्टर नंबर 1 दीर्घऊ, और साथ में आज की डेट भी लगा देना। उसमें आपको न्यू पेज लेके क्या करना है, इस ये जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ 1-1 लाइन लीव करके आपको लिखते जाना है। एक पेज में आपको ये पैराग्राफ लिख देना है और नेक्स्ट पेज लीजिए, वहाँ पे लिखिए वाचो अने बोलो रीड एंड से, ऐसा हेडिंग लगाया जैसे आप हर चैप्टर में लगाते हो ना। मैंने आपको सिखाया है कि आपको ये किस प्रकार से लिखना है, रीड एंड से का आपको हेडिंग लगाना है और उस पेज में ये सारे शब्द आपको 3-3 बार लिखने हैं, इसलिए आप उस पेज में लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ये जो सारे शब्द है वो 3-3 बार आप उसमें लिख दीजिए। 1-1 लाइन लीव करते जाना है और ये जो सब शब्द है वो लिखते जाना है। उसके बाद शब्दार्थ कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया है। शब्दार्थ आपको लिखना है 2 टाइम, यानी कि आपके पेज में शब्दार्थ का हेडिंग दीजिए और बीच में पेज में लाइन बना दीजिए और आपको ये नंबर डाल के लिखते जाना है। कितने बार लिखेंगे आप? 2 बार। तो बच्चों आपको होमवर्क में क्या लिखना है वो भी मैंने बता दिया। अब आपको ये चैप्टर है वो पूरा सीखना है और लिख भी देना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज भी सीखेंगे।